करो जैसे मुझे पता था वहाँ पे भाभी के साथ क्या होने वाला और फिर भी मैं गई। It was an accident. Enough, Paki. No, Papa, you enough. You enough. क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? पाखी, रो क्यों रही है? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग तो वहाँ रुकने वाले थे ना? और आप अभी तक सोए नहीं? किंजू बेबी कहाँ है? अरे बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? ये लोग वहाँ पार्टी करने गए थे बा, और वहाँ पे अनुपमा की भाभी से किंजल को धक्का लगा और वो गिर गई। हाँ? इसलिए हम लोग उसे देखने गए थे। आप सो रही थी इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। भगवान की कृपा से दोनों ठीक है। हाँ। अरे वहां जाना ही गलत था। अरे मुझे क्यों समझा रही है बाप, अपनी पोती को समझाइए। ये तो वहां जाने के नाम पे मुझसे लड़ रही है, बदतमीजी कर रही है। और आज सुबह तूने कहा था ना कि पापा आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। शाम होते ही तमीज और प्रॉमिस दोनों भूल गई तू? क्या करूं पापा, आप ही की बेटी हूं ना। बाकी अपनी मम्मी के घर जाना गलत नहीं होता है पापा, तो आप प्लीज मुझे ब्लेम मत कीजिए। और आपने कैसे वहां सबके सामने कह दिया कि यहाँ से कोई भी बच्चा वहां कभी नहीं जाएगा? मैं तो जाऊंगी पापा, और किसी का मुझे पता नहीं, पर मैं तो जाऊंगी। चाहे झूठ बोल के जाना पड़े या छुप के जाना पड़े, मैं वहां जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। और आज के बाद अगर तूने वहां जाने का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टोरी ओवर। मेरे बच्चों का मेरे घर में दम घुटने लगा है बाबूजी। जो घर मेरे लिए सब कुछ था, वो उनके लिए कुछ भी नहीं। घर कहलाने लायक तक नहीं। अनुपमा, मैं हमेशा कहता था हमारे बीच में कुछ है जो कभी नहीं टूट सकता, लेकिन आज कह रहा हूं क्यों क्यों नहीं टूट सकता, क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि हम लोग अलग होके भी एक दूसरे की जिंदगी में इतने घुसे हुए हैं। मुझे तुम्हारे और बच्चों के मेल जोल से प्रॉब्लम नहीं थी अनुपमा, लेकिन अब होने लगी है, अब होने लगी है। क्या सॉरी? मैं क्यों बोलूं सॉरी? पापा को बोलना चाहिए। बाकी वी तुमसे नाराज है तो तुम मना लो ना। तुम जानती हो ना कि वी तुमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन प्यार दिखाने का ये कौन सा तरीका हुआ कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ नहीं जा सकती हूँ? मम्मी ने तो मुझे पापा से कभी दूर नहीं किया। आप और पापा जब साथ में रह रहे थे तब भी नहीं। बाकी काश तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी जितने 1% भी सॉर्टेड होते, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आज वी तुमसे नाराज है तो तुम उसे मना लो, तुम उसकी बात मान लो ना, कल भी तुम्हारी बात मान लेंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। अगर उन्हें मम्मी से प्रॉब्लम है तो मैं मम्मी से दूर क्यों रहूं? मैं आपको एक लाइन में बताऊं प्रॉब्लम क्या है। मम्मी अब बड़ी के साथ है और मम्मी रिच हो गई है तो पापा जेलस फील कर रहे हैं। नहीं पाखी, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से जेलस नहीं है। इनफैक्ट अनुपमा के जाने के बाद वी और कितना ज्यादा केयरिंग हो गया है, कितना इमोशनल हो गया है पाखी, डोंट यू सी दैट? और कितने कंट्रोलिंग भी हो गए। तुम दोनों अभी गुस्से में हो, मैं तुम दोनों से कल बात करूंगी। ओके, गुड नाइट पाखी। तुम ठीक हो? आर यू ऑलराइट? तुमने बस यही पूछने के लिए कॉल किया था? या हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। वेल, इंडिया में फैमिली ड्रामा कितने अलग लेवल के होते हैं, नॉट ग्रूवी एट ऑल। आई नो। तुम कल बिजी हो? नहीं तो कल मिले।
सॉरी, वो लाइन में प्रॉब्लम थी. तुमने क्या कहा? आई एम सेइंग कि कल मिलते हैं. कल? अगर तुम बिजी हो तो इट्स ओके. नहीं नहीं, आई एम नॉट बिजी. कूल. और वैसे भी तुम यहाँ हो या मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे डैड को तो प्रॉब्लम होनी है. सो बेटर है कि हम कहीं बाहर ही मिल लेते हैं. कॉफी? श्योर. वेल, अगर तुम्हारा मूड ऑफ हो या तुम्हें नींद ना आ रही हो तो मैं जाग रहा हूँ. यू कैन कॉल मी एनी टाइम. हाँ, थैंक्स. गुड नाइट. कॉफी डेट, मतलब ऑलमोस्ट डेट. थोड़ी थोड़ी डेट. एक मिनट, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? पाखी, अनु आंटी की सबसे लाडली.